जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, पासपोर्ट सेवा केंद्र का दलाल इकराम खान ट्रैप, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। परिवादी से लंबित प्रकरण को लेकर मांगी थी घूस, पासपोर्ट में गलती सुधारने की एवज में मांगी थी घूस, एंटी करप्शन ब्यूरो एएसपी आलोक शर्मा ने दिया कार्रवाई को अंजाम। तो एंटी करप्शन ब्यूरो एएसपी आलोक शर्मा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से जुड़ी ये खबर, लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो घूसखोरों पर नकेल कस रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा की जा रही है। तो जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है, पासपोर्ट सेवा केंद्र का दलाल इकराम खान ट्रैप हुआ है, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी से लंबित प्रकरण को लेकर ये घूस मांगी थी, पासपोर्ट में गलती सुधारने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो एएसपी आलोक शर्मा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि और कौन कौन है जो इस घूसखोरी के खेल में शामिल है, कितने लंबे समय से ये इकराम खान घूसखोरी का खेल खेल रहा था और कौन कौन इसके साथ शामिल था, कड़ियां कहां तक जुड़ी हुई है, तमाम सवाल। अब सवालों का जवाब ढूंढना है तो वहीं ऐसे में हो सकता है कि सर्च ऑपरेशन भी जारी रहे और सर्च में क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या धनराशि मिलती है, भी देखना अहम होगा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, वाकई में इसी को एक बड़ी कामें भी हाथ लगी है और जो ऑर्बिट मॉल स्थित जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो वहाँ का जो दलाल था इकराम खान को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 45,000 रुपए की इसने डिमांड की थी और 5,000 रुपए की राशि ये पेटीएम के जरिए वसूल चुका था, यानी अब रिश्वत में भी ये डिजिटल तरीके से उपयोग जो आरोपी कर रहा था तो उसको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, एडिशनल एसपी आलोक शर्मा के नेतृत्व में जो सीआई श्रवण कुमार हैं उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम है जो आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस पूरे प्रकरण के अंदर अब एसीबी जो पासपोर्ट विभाग के जो अधिकारी हैं उनके किस प्रकार से आरोपी के संबंध थे उनकी भी एसीबी जांच कर रही है, उन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है एसीबी उनसे भी पूछताछ कर रही है और इस पूरे प्रकरण में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। अब एसीबी की टीम है जो लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही कह पाना कुछ संभव होगा। फिलहाल जो दलाल है उसको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।